करने वाला है, आपके पिता के द्वारा सुख शांति मिलेगी, उनका पूरा आशीर्वाद भी मिलेगा और सहयोग भी मिलेगा, तो कर्म क्षेत्र आपका बहुत सुदृढ़ और सुंदर बनने वाला है। साथ साथ में आपके जो गुरुदेव हैं वो वैभव में दृष्टि डाल रहे हैं, अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे आप, मंगलकारी होने वाले हैं, यात्रा में खर्च करने का योग, कहीं बाहर जाने का योग भी बन सकता है, विदेश से संबंधित यदि योजना बना रहे हैं तो योजना तो बन जाएगी लेकिन किन्हीं कारणों से जा नहीं सकेंगे। इस प्रकार से गुरुदेव का प्रभाव दिख रहा है और शनिदेव आपकी राशि से पंचम हैं, पंचम शनि क्या कर रहे हैं, पंचम शनि पत्नी का स्वास्थ्य या स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, थोड़ा सा विवाद की स्थिति निर्मित कर रहे हैं, दैनिक आय की गति में अवरोधक हैं, दैनिक आय बढ़ने में सहायक नहीं बन रहे हैं, बड़े भाई बहनों का पूर्ण सुख सहयोग नहीं मिल पा रहा है या उनका स्वास्थ्य बिगड़े, इसका भी ध्यान रखना है, और लाभ मार्ग में अवरोधक है, जहां आपको लाभ मिलना है वो लाभ में थोड़ा सा विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। साथ साथ में आपके जो है तो वो धन कुटुंब है, परिवार में सुख शांति नहीं मिल पा रही है, परिवार में थोड़ा सा विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है क्योंकि विघटन की स्थिति बनी हुई है परिवार में, धन से संबंधित जो विवाद पहले से चल रहे हैं वो बड़ा रूप इस सप्ताह में ले सकते हैं, उससे आपको सावधान रहना है। और आपके कन्या राशि वालों के लिए आठवें मंगल देव चल रहे हैं, अष्टमी वर्ण द्रोण, अष्टम मंगल जो है सो अचानक होने वाली घटना दुर्घटनाओं से सावधान रहना है, किसी से विवाद ना हो उसका भी जो है सो संयम रखना है, आपको अपने वाणी में अंकुश रखना है, क्रोध की मात्रा आपको बढ़ी है, थोड़ा सा सावधानी से ये पूरा सप्ताह निर्वाह करना है। कन्या राशि वालों के लिए सबसे राहुदेव कहाँ चल रहे हैं, राहुदेव जो है तो आपकी राशि से नौवें भाग्य वृद्धिश्च दसवें कर्म ईप्सितम, कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेघ और बृहस्पति और मिथुन, इस प्रकार से मिथुन राशि पर राहुदेव चल रहे हैं, तो ग्यारहवें एकादशे सर्वलाभम सब प्रकार से लाभ का समय ये दर्शा रहे हैं। दसवें कर्म ईप्सितम, दशम भाव में चल रहे हैं, कर्म क्षेत्र आपका सुदृढ़ बना रहेगा, कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की बाधाएं जो चल रही हैं वो दूर होनेगी, आपका जो आलस बना हुआ है शरीर से वो दूर हो जाएगा और मेहनत के साथ आप कार्यरत रहेंगे। नौकरी पेशा वालों के लिए बहुत उत्तम समय है, जो सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही उत्तम समय, उनको उन्नति का समय रहेगा क्योंकि आपकी राशि से यद्यपि सूर्य बाढ़ में है लेकिन बाढ़ में सूर्य होने पर भी शत्रुओं को देख रहे हैं, शत्रुओं का दमन होगा और सरकारी कार्यों में आपका खर्च होगा, और बुध व्यापार के लिए बहुत उत्तम फलदायक नहीं है क्योंकि बाढ़ में बुध चल रहे हैं, इसलिए व्यापार में थोड़ा सावधानी रखना है। और एक तारीख और दो तारीख इन दोनों तारीखों में आपका मन प्रसन्न चित्त रहेगा और नाना प्रकार के लाभ होंगे, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पत्नी का स्वास्थ्य के साथ में मन मिलाव अच्छा रहेगा, धन कुटुंब में वृद्धि होगी और जिन लोगों का जो है प्रेम प्रसंग चल रहा है उनमें प्रगाढ़ता आएगी, छूटे हुए पुराने प्रसंग जो है सो दूर होकर के नए अध्याय जुड़ेंगे। इस प्रकार से भरा पूरा एक मंगलमय आपका सप्ताह रहेगा कन्या राशि वालों के लिए, सबसे उत्तम समय है। हरिओम।